तो दोस्तों, फाइनली बुलेट ट्रेन को लेकर एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। पीटीआई ने जानकारी देते हुए कहा है कि बुलेट ट्रेन की ट्रायल्स को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिसकी टॉप स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर होगी, जो कि एरोप्लेन्स के टेक ऑफ स्पीड के बराबर है। इसकी एवरेज स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी। खैर, ये जो ट्रायल होने वाला है बिलिमोरा और सूरत के बीच में किया जाएगा गुजरात में, जिसकी फाइनल डेट 2026 तक रखी गई है और इसे लगभग 2027 तक आम लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, बुलेट ट्रेन्स एरोप्लेन को काफ़ी ज़्यादा टक्कर देने वाली है, क्योंकि सेम बजट में आप या उससे भी कम प्राइस पर बुलेट ट्रेन की सफ़र का आनंद ले सकेंगे। बुलेट ट्रेन्स हमें काफ़ी सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, जैसे चेकिंग टाइम बहुत कम होगा एरोप्लेन के मुकाबले में। यहां आपको लगेज के लिए काफ़ी स्पेस भी मिल जाता है, जो कि मिडिल क्लास के यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, खास करके एरोप्लेन के मुकाबले में, क्योंकि एरोप्लेन में कभी कभार हमें एक्स्ट्रा स्पेस के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। वहीं एरोप्लेन में कॉलिंग के लिए एरोप्लेन मोड को यूज़ करना पड़ता है या मोबाइल को स्विच ऑफ करने के लिए भी कहा जाता है, सिक्योरिटी रीज़न के कारण। वहीं ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण भी वैकेशन पर्पज़ के लिए ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। वहीं बुलेट ट्रेन को हम रेगुलर यूजेस के लिए भी यूज़ कर सकेंगे। बस यही वो कारण है जो मुंबई अहमदाबाद के मेजर बिजनेस हब को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी। बुलेट ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग ने बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया है और इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण ये काफ़ी लंबा खींचते जा रहा है। वहीं अब बुलेट ट्रेन के मैन्युफैक्चरर्स ने कहा है कि इसे स्पेशली ट्रैक पर इसके बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जो जैपनीज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसे सिलेक्ट ट्रैक सिस्टम, जो कि एक जैपनीज द्वारा बनाई गई एक काफ़ी अनोखी और एडवांस ट्रैक सिस्टम है, जो भारतीय ट्रैक सिस्टम के मुकाबले में बेहद ही ज़्यादा एडवांस मानी जाती है। आप तो जानते ही हैं कि किस प्रकार आज बुलेट ट्रेन के मामले में ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा जॉइंट हब बन चुका है चीन, जो उसकी आर्थिक मजबूती का एक मेन रीज़न भी है। वही भारत इस मामले में बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। सवाल यह है, अब हमारे मन में उठता है कि क्या भारतीय इंजीनियर्स ये टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं कर सकते, या अभी तक हमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो हमारे जो राजनीतिक पॉलिटिक्स हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है, लेकिन अब भारतीय इंजीनियर्स द्वारा बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन एक सच यह भी है कि भारतीय इंजीनियर्स के पास डिग्री तो है, लेकिन स्किल के नाम पर कुछ भी नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा हमें बैक कर देती है चीन के मुकाबले। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो भारत की आर्थिक तरक्की को रोकता है। उसके बाद भी रही कही कसर भारतीय राजनीति, जिसने जातिवाद के नाम पर जनता का इतना शोषण किया है कि क्या ही कहूँ। वही जनता को विकास के नाम पर सिर्फ मिलता है वायदों के अलावा और कुछ भी नहीं। वहीं सिर्फ और सिर्फ वायदों के अलावा और कुछ भी नहीं जो मिलता है, वो है राम मंदिर के नाम पर झूठे दिलासे। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन विकास भी तो नहीं हो रहा है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो जापान की सहायता से ब्रिजेस को भी एडवांस तकनीक द्वारा किया जाएगा, जो इसके बीच में बनाई जानी है। फिलहाल 8 स्टेशंस को तैयार किया जा रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पूरे विदेश भर में हमें बुलेट ट्रेन देखने को मिलेंगी। इसका एक उदाहरण मेट्रो ट्रेन भी है। पहले छोटे लेवल पर मेट्रो ट्रेन को भारत में लागू किया गया था, यानी कि बनाया गया था, चलाया गया था। फिर बाद में धीरे धीरे ये पूरे राज्य में फैलती जा रही है और ये अभी बहुत बड़ा जॉइंट हब भी भारत में बन रहा है। तो इसी प्रकार से बुलेट ट्रेन भी धीरे धीरे छोटे लेवल पर शुरू होगी, लेकिन ये पूरे देश में फैलेगी और बहुत ही ज़्यादा।
अच्छे तरीके से। इसके अलावा अगर आपने अभी तक भारतीय हाई स्पीड ट्रेन यानी कि वंदे भारत के बारे में नहीं पता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं, उस पर भी मैं कई सारी वीडियो बना रखी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।